दोष दे भाट बढ़ेबा चलिबो नै चलिबो नै केन्द्र सरकार राज्य सरकार उपरे दोष दे तैल दर वृद्धि करिबा चलिबो नै चलिबो नै इनक्लूब जिंदाबाद 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 वामपंथी एकता जिंदाबाद 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 वामपंथी दल रा आह्वान रे आजर उड़ीसा बंद को सफल कर नाजिन देख सकते हैं इस वक्त हम बालेश्वर के रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं। जिस तरह के वामपंथी दलों की जानिब से बालेश्वर जो है पूरा ओडिशा बंद का जो है 6 घंटा का डिक्लेयर दिया गया था उसी को लेकर आज जो वामपंथी दलों के जो है जितने भी कारकुनान हैं वो इस वक्त 1 नंबर प्लेटफार्म पे मौजूद हैं और बांगरीपुसी टू जो है भुवनेश्वर जाने वाली रेल को रोक चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे जो मतलब स्लोगान देने वाले जो कर्मी हैं वामपंथी दलों के, उनका सिर्फ जो मांग है तेल और डीजल के बढ़ती हुई दामों को लेकर, यानी गैस डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम। आइए हम सीधा बात करते हैं, गौरंगो पानीग्राही हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या बोलते हैं। कौन कहिबे सर आप आज कौन पाई प्रोटेस्ट? मुख्यतः पेट्रोल डीजेल एवं जाळेणी गैस रो जो दर वृद्धि होई आ फल समस्त सामग्री परिवहन रे जोटा आसुची से दर वृद्धि घटी एवं अत्यावश्यक सामग्री डाली तेल खाइबा तेल सबू दर बढ़ी। तेणु आज वामपंथी दल मैंने ओडिशा रे 6 घंटिया बंद डाकरा देइछन्ती। कांग्रेस दल एवं अन्यान्य दल गण संगठन आकु समर्थन करछन्ती। बालेश्वर आम रेल लोक करूँ और बालेश्वर सहर से शांतिपूर्ण भाव में बंद पालन हो 12 पर्यंत ये बंद पालन हम एवं आम सरकार को चेतावनी दौचु कोरोना पीरियड में तुम दर दाम को स्थिर रख। तो ये देख रहे थे कि इस वक्त बारीपदा टू मतलब जो बांगरीपुसी टू मतलब भुवनेश्वर जो ट्रेन है उसको 1 नंबर प्लेटफार्म में रोक दिया गया है और इस तरह पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती दामों को लेकर लोग परेशान है पूरे हिंदुस्तान भर में, चाहे मरकजी सरकार हो या रियासती सरकार, दोनों जो है अपने जूं की तू नहीं कर रहे हैं। 100 जिस तरह सबको मालूम है पेट्रोल जो है 100 रुपये से पार कर गया है, डीजल 100 रुपये से पार गया है। तो ये तमाम जो है दुख वाली जो है मतलब महंगाई मैंने कोरोना के ऊपर महंगाई का मार, ये तमाम चीज़ों को लेकर आज वामपंथी दल जो है यहाँ पर मौजूद थे 1 नंबर प्लेटफार्म पर। आइए चलते हैं, और भी बहुत जगह प्रोटेस्ट चल रहा है तो किस तरह चल रहा है वो तमाम चीज़ आपको दिखाते हैं। नाजिंगा जिस तरह आप देख सकते हैं इस वक्त हम बालासोर के स्टेशन चौक पे मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह वामपंथी के दलों की जानिब से बंद का ऐलान दिया गया था, पूरा ओडिशा बंद का ऐलान दिया गया था 6 घंटा का, उसी को लेकर जो है नाराबाजी जारी है क्योंकि पेट्रोल और डीजल गैस ये तमाम चीज़ों का जो है रेट बढ़ जाने से जो है तमाम महंगाई का जो है मार आवाम सह रहे हैं। इसी को लेकर वामपंथी दल जो है यहाँ पे मौजूद है और पूरा आंदोलन ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरह हमने आपको स्टेशन रेलवे स्टेशन में दिखाया कि किस तरह ट्रेन रोक रहे थे और तमाम जो है नाराबाजी कर रहे थे, तो इस वक्त जो है तमाम जो है वामपंथी दलों के मेंबरान भी हैं और कांग्रेस का भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। कांग्रेस के कर्मी भी हैं और कांग्रेस के जो जिला सभापति वो भी हैं। क्या चल रहा है मतलब आज ये वामपंथियों का जो वामपंथी दल का जो बंद का आह्वान दिया गया है सारा भारतवर्ष में, इसको कांग्रेस समर्थन दे रहा है। कांग्रेस तो पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती हुई दरदाम के लिए 7 तारीख से 17 तारीख तक लगातार एजिटेशन कर रहा है। 17 तारीख में भी हम लोगों का है, लेकिन आज जो वामपंथी दलों ने जो बंद का आह्वान दिया है इसको कांग्रेस तहे दिल से समर्थन कर रहा है। लोगों का जो दुख है पीड़ा है उसको समझते हुए आज कांग्रेस दल सबको अपील भी किया था कि सब, आज हमारा PCC प्रेसिडेंट अपील भी किया था कि कोई गैस और पेट्रोल डीजल ना खरीदे 1 दिन के लिए, तो ये आज बंद हम लोग समर्थन में चल रहा है। संजीव जी देख रहे हैं जैसे जो अब मतलब मरकजी मतलब केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, टस से मस नहीं हो रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट आप कांग्रेस की जानिब से हो रहा है, तमाम पूरे भारत बंद में प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन तेल कमने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इसके मतलब आगे चल के आप लोग कैसा स्टेप लेने वाले हैं? ये तो हम लोग कांग्रेस तो एकदम से जबरदस्त तरीके से ये लड़ाई लड़ने के मूड में है, क्योंकि तेल का दाम बढ़ने से सब कुछ दाम बढ़ रहा है। वो तेल का जो ये है, ये मतलब रीढ़ की हड्डी है देश का, इकोनॉमी का रीढ़ की हड्डी है। तेल जितना बढ़ेगा रीढ़ की हड्डी उतना ही टूटेगा, तो इसके अगेंस्ट में कांग्रेस एकदम सीरियसली लगातार पिछले महीने भी किया था, इस महीने 7 से 70
कंटिन्यूस चार मैंने 10 दिन का प्रोग्राम है हम लोगों का, यहाँ 2-3 प्रोग्राम चला गया। 17 तारीख परसों फिर है हम लोगों का प्रोग्राम पेट्रोल डीजल के लिए। तो कांग्रेस पेट्रोल डीजल का जो दाम है उसके उसके विरुद्ध में ये स्वेच्छाचारी बीजेडी और बीजेपी सरकार के विरुद्ध में एक जबरदस्त आंदोलन इसको करने के मूड में है। तो जिस तरह आप संजीव गिरी जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पोटेज जारी है और ये लगातार जो है इस तरह चलेगा, तो ये तमाम आज जो है 100 रुपये मतलब सेंचुरी पार कर चुका है पेट्रोल, ये तमाम चीज़ को लेके आज जो है पूरा का पूरा वामपंथी दल हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस समर्थन करते हुए आज जो पूरा बालेश्वर में आप देख रहे हैं किस तरह ओडिशा बंद का असर दिख रहा है स्टेशन चौक पे। आइए, और भी बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे मेंबरान हैं जिनके जो इस आप यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस भी जो है बाकायदा तौर पे जो है मैंने प्रोटेस्ट को संभालने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। और आप जिस तरह देख रहे थे कि गाड़ियों को रोका जा रहा था, किस तरह मतलब ट्रक को भी रोक के खड़ा कर दिया गया है, तो मैं तमाम चीज़ जो है कहीं ना कहीं ये बताता है कि लोग जो है कोरोना के बाद में कोरोना महामारी के जो दौर चल रहा है और उससे जिससे लोग प्रभावित हुए हैं, लोग टूट चुके हैं, उसके बाद भी मतलब ये महंगाई का मार जो है बहुत दुख देने वाली घटना है। आइए, हमारे साथ मतलब एक नौजवान नेता है असगर भाई, उनसे पूछते हैं। मतलब असगर भाई क्या कहेंगे ये पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर, मतलब जो आंदोलन चल रहा है लगातार, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, एक दिल्ली में शासक था जिसका नाम था तुगलक, बिना कोई सोचे बिना कोई समझे फरमान जारी करता था, प्रजा का क्या असुविधा है क्या समस्या है उसके ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं था। आज जो ये सरकार है पिछले 7 साल से, ये जो मोदी सरकार है, ये जो है ये कॉरपोरेट के मुफाद में, ये जो भी आइन लेके आता है कॉरपोरेट के मुफाद में, अगर आपको देश बचाना है, अगर जब आपको अगर आपका टैक्स कलेक्शन होता नहीं है तो आप कॉरपोरेट टैक्स लगाइए, जैसे कि आप देखते होंगे अमेरिका में जॉन बाइडन 2500 करोड़ रुपया डॉलर का जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स का भी प्लानिंग कर रहा है, वैसे ही आप भी कर सकते हैं आप। तो, लेकिन तो लग रहा है कि मतलब ये सरकार सुन पाएगा लोगों की दुख दर्द को? देखिए, हम तो कोशिश में है कि उसको ऊपर एक प्रेशर बनाए ताकि पेट्रोल डीजल के ऊपर में GST अगर लागू हो जाता है तो यहाँ से 55 से 60 रुपये हिसाब से पेट्रोल बिकेगा और आम आदमी इससे अफोर्ड कर सकेगा। इस वक्त जैसा कि आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, हमारे साथ मतलब जो है विकास भाई हैं। विकास भाई जो है अखिल भारतीय संगठन जो है गठित जो है शार्मिक कांग्रेस की जानिब से हैं। विकास भाई से पूछेंगे, विकास भाई आंदोलन जो है जो तेल को लेकर जो है पेट्रोल को लेकर आप लोग कर रहे हैं, कहां तक आप लोग सफलता हो पाएंगे ऐसा आपको लग रहा है? एक्चुअली आज ये हमारा जो कांग्रेस जो जातीय कांग्रेस है उन्होंने नारा दिया था कि सब लोग को अनुरोध किया था कि पेट्रोल नहीं डालने के लिए, गैस नहीं खरीदने के लिए, लेकिन उसके बीच में हमारा जो वामपंथी दल जो है भाई मान वो सब आज उड़ीसा बंद का डिक्लेयर किया है, तो इसके लिए हम लोग हमारा जो जातीय कांग्रेस, हमारा AIUWC, छात्र कांग्रेस, महिला कांग्रेस सब उसको हम लोग मतलब उसमें साथ दिए हैं। तो ये जो पेट्रोल का जो रेट है और जो महंगाई जो बढ़ा है, जो खाने का तेल है, कोई भी चीज़ का जो महंगाई बढ़ा है वो तो सब आदमी के ऊपर असर पड़ता है, लेकिन वो जो हम लोग का काम है लोग को सचेतन करने के लिए, वो जितना दूर तक जाएंगे हम उसके बारे में जाएंगे। जो 7-17 जो बंद डाकरा ताको कांग्रेस जो हिसाब रे कार्य करछि, 7-17 पर्यंत जो बंद कार्यक्रम करछि आमे करि आछि, 9 तारीख करथिलु पण आज करछु। ए जो मोदी सरकार सेठी बसी जो गरीबंक पेटरे जो लात मारुछि, 2 वर्ष पाखा धरे हेलाणि लॉकडाउन, ता भितरे गरीब जो हिसाब रे जो कष्ट रे चलुछन्ति ता भितरे ए पेट्रोल डीजल खाइबा तेल, तेणु लोकों गरीब लोक ये जो मिछुआ सरकार मिछ कथा कहीकि जो मो आच्छा दिन आणवि जो आच्छा दिन प्रलोभन देख लोक जो हिसाब से शोषण करुच्ची लोक एथे अतिष्ठ हो गले, तेणु आम बंद डाकरा को स्वागत करछु। आज वामपंथी दल जातीय कांग्रेस
आमर AIUWC समस्ते सब मिलित भाव बंद डाकरा को सफल करने को आम चेष्टा कर मोदी सरकार एवं ये नवीन सरकार जो मिलित भाव जो शासन कर लोक ताको घोर निंदा करदी ये पेट्रोल डीजेल खाइवा तेल नित्य व्यवहार्य जिनस आर दर वृद्धि न कमे ताहले आगामी दिन में कांग्रेस राजरास्तार आसी खूब तीव्र आंदोलन कर। कैमरामैन सेक्टर 80 के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जमान बालेश्वर।